हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक और न्यू प्रोडक्ट का। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है एक वॉशिंग मशीन डस्ट कवर। तो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका जो कवर है ये नेट एंड प्लस फैब्रिक दोनों का मिक्सिंग में है। ये तो कपड़े एंड नेट दोनों का यूज़ हुआ है। कवर बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे, मतलब एकदम अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा डिफरेंट लुक है। नॉर्मल जो अभी तक कवर्स आते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा ये। तो इसका जो फैब्रिक मटेरियल वगैरह जो भी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ से फ्रंट से ये जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये आगे फ्रंट में आएगा, क्योंकि ये फ्रंट लोड का है। टॉप लोड में भी आपको मिल जाएगा इसको ऑनलाइन। तो मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो है फ्रंट लोड और 6.5 किलो का उसका जो वेट है, वो मतलब 6.5 किलो जो वाली होती है वो है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा इसका साइड पार्ट। ये इसका मतलब आगे फ्रंट से भी आएगा, ये ऊपर जो नेट एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ये फ्रंट साइड में आएगा, उसके पीछे नेट भी है, साइड में भी नेट है, और जो ऊपर से आएगा टॉप साइड वो फैब्रिक का बना हुआ है। ये नीचे जो बॉर्डर आएगा, अभी मैंने दिखाया ये बॉर्डर आएगा, तो इसका लुक आपको लगाने के बाद ही निकल कर आएगा। अभी मैं जस्ट ऐसे दिखा रही हूँ, साथ में एक प्लास्टिक भी दे रखी है और जो ऊपर डिज़ाइन है क्रॉस वाला जो मटेरियल, ये इसमें ना फॉर्म भी लगा हुआ है, तो ये एक ना ऊपर जाएगा। तो टोटल जो भी है मैं अभी लगा के इसको लास्ट में इसका वीडियो मैं दिखाऊँगी, तो आप वीडियो पूरा देख लेना। तो लास्ट में ना मैं दोनों साइड से इसको मतलब कवर लगाने के बाद मशीन पे देन फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ना, इसके अंदर एक ना फॉर्म भी लगी हुई है, तो कपड़े के नीचे ना फॉर्म दी हुई है और बहुत पतली लाइनिंग भी है। तो गाई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।